अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरखपुर महानगर गोरक्ष प्रांत की समीक्षा योजना बैठक का आयोजन जिला पंचायत सभागार में किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर सुषमा पांडे ने अपने विचारों को व्यक्त किया। इस दौरान मंच पर प्रभात राय, डॉक्टर विनय तिवारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बात का द्योतक है कि किस प्रकार से संगठन योजना बनाता है, त्वरित योजना बनाता है, किस प्रकार संपूर्ण योजना बनाता है और किस तरीके से स्थायी और नव निर्माणकारी योजनाओं को बनाते हुए नए सिरे से नए तरीके से कार्य करने को आगे आता है, ये इस बात का द्योतक है। तो आज हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरखपुर महानगर अपनी समीक्षा योजना बैठक करने जा रहा है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि समय बहुत बीत चुका है और आपको बहुत देर तक अपनी योजनाओं की समीक्षा करनी है। जो आपने पिछली बार लिया था उतना उसको आपने कितना कार्यान्वित कर पाए और कौन से ऐसे काम थे जो आप नहीं कर पाए और नहीं कर पाने के पीछे क्या कारण थे, इस पर हमारा विचार होना चाहिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, जितना रिग्रेस होकर के, जितना निर्दयी होकर के आप अपनी समीक्षा इसके कारण ये नहीं कर पाए, तो बिल्कुल रिग्रेस जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल उस भाव से अपने किए गए कार्यों की हम समीक्षा करें। लेकिन उसके साथ साथ विकट हुई, जैसे रोज न्यूज़पेपर में निकल रहा है कि तीसरी लहर जो अगस्त के लास्ट वीक तक हो उसका आगाज हो जाएगा, तो जैसा भी हो समाज को, हम लोगों को अगर उसको हमारे ऊपर वो ऐसी स्थिति बनेगी कि हम इस तरीके का कुछ नया कर पाएंगे, उसके आधार पर हम समीक्षा करेंगे कि हम